हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर मोहम्मद यासिन फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। आज हम बात करेंगे गठिया के बारे में कि गठिया का क्या होता है, तो ये कितने प्रकार का होता है। गठिया को इंग्लिश में ऑर्थराइटिस बोलते हैं। ऑर्थराइटिस टू टाइप का होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटोइड ऑर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है हमारे जो वेट बियरिंग ज्वाइंट है उसमें होता है, जहाँ पर वेट ज़्यादा आता है, जैसे घुटने हो गए हमारे। मोस्टली 80% गठिया हमारे घुटनों में होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और दूसरा होता है रिमेटोइड ऑर्थराइटिस, जो कि ऑल पेरिफेरल ज्वाइंट में होता है, जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं वहाँ पर। इसकी आप पहचान कैसे करेंगे कि गठिया है, इसके साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? टेंडरनेस, रेडनेस और पेन होगा, स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होगी। इसको आप मतलब जो है आप रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो आर ए फैक्टर कहलाता है, और आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को घुटने का एक्सरे वगैरह करके इसको डायग्नोज किया जाता है। इसके लिए मेडिसिन क्या होती है, और जो मेडिसिन के अलावा भी और बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। देखिए, मेडिसिन में इसके लिए क्या होगा, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, और दूसरा आपका जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, फिजियोथेरेपी में देखिए हॉट फॉर्मुलेशन या कोल्ड फॉर्मुलेशन करते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है, वैक्स बात होता है, एक्वापरेशन थेरेपी में भी इसका अच्छा ट्रीटमेंट है, एक्वापंक्चर और योगा और एक्सरसाइज थेरेपी, जैसे मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग होती है, और वेट बियरिंग जो एक्सरसाइज भी इसमें कराते हैं, इससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ होता है।